दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी धरती पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका हैं। और हाल ही में अभी एक और महाद्वीप की खोज हुई है, जिसका कि नाम है जी लैंडिया। तो इसको मिलाकर आप 8 महाद्वीप कह सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं में एक महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से दक्षिणी महासागर द्वारा घिरा है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, अंटार्कटिका का लगभग 99% भाग बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। अंटार्कटिका के बारे में कहा गया है कि यह तेज गति से चलने वाली हवाओं की राजधानी है। कभी कभी तो यहाँ 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं भी चलती हैं, जो कि जमीन को काटकर अपने साथ ही उड़ा ले जाती हैं। पूरे अंटार्कटिका में मात्र 70 प्रकार के ही जीवधारियों की खोज की गई है, और इनमें अधिकतर तो कीड़े मकोड़े ही हैं। इस महाद्वीप पर कोई भी स्थलीय स्तनधारी प्राणी नहीं पाया जाता है, पर बहुत से समुद्री प्राणी इसके तटों पर विश्राम करने आ जाते हैं। इनमें कई प्रकार की व्हेल, केकड़ा, भोजी सील, तेंदुआ सील, रोज सील और गज सील जैसे अत्यंत दुर्लभ प्राणी हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले जीवों में एक और जीव है पेंगुइन, जो कि यहाँ काफ़ी मात्रा में निवास करते हैं। इस महाद्वीप पर वनस्पति के नाम पर लाइकेन और कुछ फूलधारी पौधे ही पाए जाते हैं। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर ही होती है। यहाँ पर कोई भी स्थायी मनुष्य निवास नहीं करता है, लेकिन साल भर में लगभग 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों पर उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, बात अगर अंटार्कटिका के इतिहास की करें तो टॉलमी के समय से पूरे यूरोप में यह विश्वास फैला था कि दुनिया के विशाल महाद्वीपों, एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की भूमियों के संतुलन के लिए पृथ्वी की दक्षिणतम सिरे पर एक विशाल महाद्वीप अस्तित्व में है, जिसे वह टेरा ऑस्ट्रेलिस कहकर पुकारते थे। सन 1774 में अंग्रेज अन्वेषक जेम्स कुक अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में किसी भूभाग की खोज में निकले। इस यात्रा में कुक को बर्फ की एक विशाल दीवार दिखाई पड़ी। उसने यह अनुमान लगाया कि इस दीवार के आगे जमीन हो सकती है, और उसका यह अनुमान बिल्कुल सही था। वह अंटार्कटिका की दहलीज पर तो पहुंच गया था, पर अंटार्कटिका की धरती पर पैर रखने के लिए मनुष्य को 75 साल और लग गए। दोस्तों, प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार पश्चिमी अंटार्कटिका में अमेरिकी सील शिकारी जॉन डेविस 7 फरवरी 1821 में आया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं। दिसंबर 1839 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका अन्वेषण अभियान 1838-1842 की एक भाग के तौर पर एक अभियान ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका महासागर, जैसा कि इसे उस समय जाना जाता था, इसके लिए
रवाना हुआ। इसने पलेनी द्वीप के समूह की पश्चिमी अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का दावा किया था। अंटार्कटिका में पहला भारतीय अभियान दल जनवरी 1982 में उतरा और तब से भारत ध्रुवीय विज्ञान में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध मूलभूत आधार में वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों तथा वातावरणीय विज्ञान जैसे कि जीव विज्ञान और पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करने में सक्षम बनाया। इनमें से कई अनुसंधान कार्यक्रमों में अंटार्कटिका अनुसंधान संबंधी वैज्ञानिक समिति की SCAR के तत्वाधान में सीधे वैश्विक परिरक्षणों में योगदान किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका में 900 से भी अधिक पदार्थों की महत्वपूर्ण खानें उपलब्ध हैं। इनमें सीसा, तांबा और यूरेनियम हो सकते हैं। वैसे तो अंटार्कटिका पर अभी किसी देश का दावा नहीं है और ना ही किसी देश के मानव की कोई बस्ती यहाँ पाई जाती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक शिविर यहाँ पर रहते हैं जो कि अपना अनुसंधान कार्य करते हैं। पर क्या यह स्थिति हमेशा रह पाएगी, ये कहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की वजह से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ पिघले और कुछ स्थान मनुष्य के रहने के लायक बन जाए। और वैसे भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे उपकरण आ सकते हैं जो अंटार्कटिका जैसे अत्यंत ठंडे स्थान को भी सामान्य जीवन बिताने के लिए अत्यंत सुगम बना देंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में।